नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुटी प्रदेव में। दोस्तों आज हम बात करें विशेषण के बारे में। सामान्य हिंदी का ये पार्ट है। इससे पहले हमने क्रिया के बारे में बात की, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बात की, और उसके ऊपर जो वीडियोस हैं अगर आपने उनको नहीं देखा अभी तक तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देखिए। तो शुरू करते हैं, सबसे पहली परिभाषा शुरू करेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया हमने पढ़े, अब विशेषण। राम वीर है, पद्मिनी सुंदर थी, श्याम मोटा है इसलिए नहीं दौड़ पा रहा, अधिकतर भैंसे काली हैं, पश्चिमी परिश्रमी को सफलता अवश्य भावी है। तो राम वीर है, इसमें जो वीर शब्द है वो विशेषण है, क्योंकि राम की विशेषता वीर शब्द बता रहा है। पद्मिनी कैसी थी? सुंदर थी, तो उसकी पद्मिनी की विशेषता हो गई सुंदरता, तो पद्मिनी से सुंदर, तो सुंदर जो शब्द है उसकी परिभाषा है। श्याम मोटा है इसलिए नहीं दौड़ पा रहा, तो श्याम कैसा है, क्यों नहीं दौड़ पा रहा, क्योंकि श्याम की विशेषता क्या है, उसका मोटापन। तो मोटा, अधिकतर भैंसें काली होती हैं, तो भैंसों की जो विशेषता होती है उनका कालापन, काली। परिश्रमी को सफलता अवश्य भावी है, तो सफलता किसको मिलती है, किसकी विशेषता कुछ होती है जिसको सफलता मिलती है, तो वो परिश्रमी को मिलती है, तो ये परिश्रम विशेषता है। तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। अब विशेषण और विशेष्य में फर्क क्या है? विशेषण तो जो विशेषता बताते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेष्य। जैसे लिखा हो, जैसे पद्मिनी सुंदर थी, तो इसमें विशेषण तो उसकी सुंदरता, सुंदर, और विशेष्य क्या होगा? पद्मिनी, क्योंकि सुंदरता किसकी बताई जा रही? पद्मिनी की बताई जा रही। दूसरा वाक्य, श्याम मोटा इसलिए नहीं दौड़ पा रहा, तो इसमें विशेषण तो हुआ मोटा या मोटापा, तो वो तो हुई विशेषण विशेषता। और जो श्याम जो है वो हो गया विशेष्य, यानी कि वो विशेषता किसकी है? श्याम की है। तो जो जिसकी जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। ठीक है, विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद होते हैं, कितने होते हैं? पांच भेद होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक, संख्यावाचक, संकेतार्थक, सर्वनामवाचक, या फिर और जो है व्यक्तिवाचक। तो जो है पांच विशेषण के भेद होते हैं, इन सबके बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुण अथवा दोष का बोध हो तो हो गए गुणवाचक। ऐसे आम मीठे हैं, भालू काला है, तो ये जो है मीठा किसका बता रहे हैं? आम के बारे में, तो ये उसके गुण का बता रहे हैं। जैसे श्याम मधुर बोलता है, तो मधुर शब्द जो है वो गुणवाचक हो गया, क्योंकि वो उसकी गुण के बारे में बता रहा है। या दोष भी है, श्याम बहुत कटु वचन बोलता है, तो कटु वचन जो हो गया या कटु जो हो गया वो एक गुण हो गया। गुण का अच्छा ही नहीं, बुराई भी जो होती है वो भी उसका गुण या दोष हो गया। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, तौल, परिमाण, भार का पता चले परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिनको क्वांटिटी भी बोलते हैं। जैसे 2 किलो आलू तौल दो, 4 मीटर कपड़े की पोशाक बनाओ, तो जो नाप तोल होता है वो परिमाण हो गया, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, फिर है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी जो है संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या क्रम का बोध कराते हो, संख्यावाचक कहलाते। जैसे जो संख्या के बारे में बता रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है संख्यावाचक हो गया, बड़ा आसान है। 4 लड़के साथ दौड़ रहे थे, घुड़ दौड़ में 100 घोड़े थे, माफ कीजिएगा। तो ये जो संख्या बताएं वो हो गए संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, संकेतार्थक सर्वनामवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। वे आपके कौन हैं? ये लड़की मेरी भतीजी है। तो जो संकेत करते हैं, वे हो गया, ये हो गया, इन्होंने, उन्होंने, ये ऐसे जो शब्द हैं जो किसी और संकेत करके विशेषता बताते हैं, तो वो हो गए संकेतार्थक सर्वनामवाचक विशेषण। अंतिम व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, देखो इसका उदाहरण देखते हैं, जोधपुरी साफा, बनारसी साड़ी। अब देखो जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जगह का नाम बताते हैं, तो वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उन संज्ञा कौन सी है? जोधपुर तो एक जो है स्थान का नाम है, बनारस जो एक स्थान का नाम है, तो उन स्थानों से बनकर मिलके, उनके पीछे प्रत्यय लगा के, या उन स्थानों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलके बन के अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जोधपुरी साफा, तो साफा जो है एक विशेष विशेषण, मतलब जो है
और साफा जो है उस वस्तु का नाम है, वो कैसी है, वो जोधपुरी है। बनारस साड़ियाँ जो है वो कैसी, वो जो है विशेष जो है वो साड़ियाँ हैं, और बनारसी जो है वो विशेषण हो गया। तो ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जुड़ के बनते हैं तो वो जो है व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक क्यों, जैसे कहते हैं ना ये बुरा व्यक्ति है, ठीक है, तो जो है श्याम बुरे होते हैं, तो सारे श्याम बुरे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जो है उसकी व्यक्तिवाचकता के साथ जुड़ गया। जैसे जो है जोधपुरी साफा, तो साफे तो बहुत होते हैं, लेकिन ये जोधपुरी साफा और साड़ियाँ बहुत होती, तो बनारसी साड़ियाँ। इसका तात्पर्य ये है कि जो है व्यक्तिवाचक के साथ बन के विशेषण, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ मिलके जो विशेषण विशेषता बताते हैं, तो जो है वो हो गए व्यक्तिवाचक विशेषण। तो दोस्तों ये था विशेषण के बारे में वीडियो, विशेषण के प्रकार हमने जाने, विशेष्य क्या होता वो जाना, और विशेषण की परिभाषा भी जानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना है लाइक, और अगर बहुत ही बढ़िया लगा तो आपको करना है शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जो आपने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया हमें, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।